दोस्त भैया बता रहे हैं पहले बस चलती थी यहाँ से रामनगर से कोटद्वार के लिए, जंगल से ही देख लीजिए। बच्चा साथ है, इस समय परेशान है। वाओ, चलो पहले ये देखिए एंट्री हो गई। तो सर स्लॉट भी अब दिख गया, झरना में दो थे, एक तो भाग गया फटाफट। टाइगर से बड़ी साइटिंग। स्टार्ट मत करो। समझ लो अगर आपको 10 बार टाइगर दिखता ना 25-30 सफारी में, तो एक बार भी दिखता नहीं भालू। भैया ने आईडी लगाया कि भालू दोनों इस तरफ भी आएंगे। अभी दोस्तों टाइगर 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 कर रहे थे, स्लॉट डियर दिख गया। मेरी लाइफ का जो सपना पूरा हो गया, मैंने स्लॉट डियर देखने थे अच्छे से, जो है रणथंभौर में देखा था बहुत दूर से, इतने क्लोज से देखे और वो भी दो लेपर्ड था। ऐसी बम्पर साइटिंग तो मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं स्लॉट बियर देख के जाऊंगा, मेरा ड्रीम पूरा होगा दोस्तों। भगवान ने मेरा ड्रीम पूरा कर दिया जो स्लॉट बियर का। क्या कह रहे हैं भैया, टाइगर से ज्यादा भालू रेयर है? भालू रेयर है, भालू देखा तो भालू इतनी अच्छी साइटिंग हुई आपको? हाँ, दोस्तों ये है हमारे आज के गाइड। हेलो, मेरा नाम रंजीत है, मैं आपके साथ नेचर गाइड हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। हाँ जी, और पहले तो झिरना जोन में वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी देखते हैं क्या क्या बाहर मार। सर क्या है पहले मूवमेंट, अभी कहाँ को चले? अभी सर एक पार्क का एरिया है, नदी पार्क का, कटगुलिया तरफ। हाँ, कटगुलिया की तरफ पार होते हुए जाते हैं ना। ठीक है सर, देखते हैं क्या क्या दिखता है। आप सुबह गए थे? ना सर, मॉर्निंग में नहीं गए थे। नहीं गए, बारिश हो गई थी। बारिश? हाँ, तो सुबह। कल की क्या मूवमेंट थी? कल पार में ही था मूवमेंट, पार में था। एक टाइग्रेस है यहाँ पे, काफी यूज्ड टू है। हाँ जी, तो उसका मूवमेंट अच्छा है पार में। ठीक है, थोड़ा ट्राई करते हैं, देखते हैं पग माग वगैरह जो भी चीजें होती है ना। ठीक है भैया, थैंक यू। ये पहली हमारी साइटिंग स्पॉटेड डियर से। फर्स्ट साइटिंग स्पॉटेड डियर। ये आगे वंकी छोटे, बहुत अच्छी धूप खिल गई दोस्तों। मूवमेंट अच्छा होगा क्योंकि धूप अच्छी खिली हुई है ना। हाँ जी हाँ, सुबह तो बहुत बारिश थी। सुबह बारिश थी, ज्यादा तो नहीं थी मतलब, फिर भी बारिश काफी थी, तो उसमें हो नहीं पाता इतना साइटिंग का। हम तो फाटो में थे, हमारी तो सफारी कैंसिल हो गई। हाँ वही हुआ था, सफारी सुबह जो भी सफारी हुई थी बारिश की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुई थी। हाँ जी हाँ, शाम को धूप अच्छी आई है तो उम्मीद है कि अच्छी साइटिंग हो। ठीक है, देखते हैं क्या क्या दिखता है। हाँ जी, अच्छा छोटी छोटी मछली उसका शिकार किंगफिशर करता है। पहले चल रहे हैं दोस्तों हम कटपुलिया की तरफ। आराम से बैठे दो तीन बच्चे एक फीमेल। वाह ब्यूटीफुल यार, बैठो चलो उड़ जाएंगे नहीं तो। हाँ चलो तुम बैठो आराम से। थैंक यू, बाय बाय। अच्छी साइटिंग दी आपने। यहाँ दोस्तों आएगी कटपुलिया चौकी, वहाँ पे एक वाटर होल है, वहाँ पे टाइगर की साइटिंग हो जाती है अक्सर। अमानगढ़ के टाइगर झिरना में आते ही रहते हैं। लेफ्ट हैंड पे जो है अमानगढ़ की रेंज आ जाएगी सब। ये हाँ उधर के इधर के उधर यही चल रहा है। पीछे मैं अमानगढ़ में था तो झिरना वाले बोलने लगे, भैया फटाफट आ रहा है आपके पास, आ रहा है वाटर होल में टाइगर, देख लो आप भी। इधर है वाटर होल, वो बोला। हाँ ये दोस्तों हम आए हैं कटपुलिया से बंबू सौत चौकी तक। क्या दिखाया डोगरा जी कभी आपको टाइगर यहाँ तक? अच्छा कटपुलिया तक। बाहर से सब गाड़ियाँ एंटर हो गई होंगी।
एकदम जरा थोड़ा गाड़ी धीरे करना थोड़ा, ये रोकना दो पीछे पीछे करना थोड़ा पीछे, नहीं ऊपर मत देखो भैया, ये जो ये जो होल है ये यहाँ कौन रहता होगा जो बिल बने हुए, ये काफी बड़ा है, तो छोटा लग रहा है देखने में, बहुत बड़ा होल है ये। देखो हर प्रजाति ने अपनी समझो पीढ़ी को चलाए रखा है, जो है बचाए रखा है, कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं जंगल में, जहाँ हर एक दूसरे को खाने के लिए उसका बड़ा जानवर बड़ा जीव है। ये जमीन के अंदर ही मोंगूस हैं, जमीन के अंदर ही अपना येलो थ्रोटेड मार्टिन, अपना मॉनिटर लिजर्ड, स्नेक, पाइथन सब इसके अंदर ही है, देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों भी भैया मिले हैं कानपुर से। सर आपका शुभ नाम? आकर्ष। आकर्ष भैया, भैया बोलते मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और सभी वीडियो देखता हूँ आपकी जो है, जी, अभी तक बहुत अच्छा लगा, क्या बात है, थैंक यू भैया। गुड़िया क्या नाम है? परीक्षा। परीक्षा को बहुत शौक है वाइल्ड लाइफ का, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नमस्ते भाभी जी। हाँ जी, चलो बढ़िया है भैया, आज पहली सफारी की? हाँ जी, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं सफारी। अच्छा बढ़िया है, मैं झिरना ही है क्योंकि मैं एक्चुअली यहाँ पे एक वेडिंग पे आया हूँ। अरे वाह बढ़िया, कि चलो सफारी भी कर ले। बहुत अच्छा, चलिए उम्मीद करते हैं टाइगर देख के जाएंगे आज। मेरा तो स्टे है आज यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ, झिरना दो दिन फाटो था आज इधर। हाँ फाटो में तो अच्छी मूवमेंट है यहाँ से, ठीक है, चार सफारी एक ही टाइगर दिखा है। अच्छा हाँ, घूम रहे हैं। हाँ थैंक यू भैया, मिलते हैं जी, बाय। देखिए दोस्तों आज अपने सब्सक्राइबर मिल गए, कर्ज जी कानपुर से। भाई आपके मशहूर हो रहे हैं भाई, अब तो सफारी भी लोग पहचानने लग गए। पीछे रणथंभौर गया था, वहां भी ऐसा ही हुआ, रणथंभौर में भी लोगों ने पहचान लिया था। दोस्तों यहाँ आ गया मानगढ़ टाइगर रिजर्व, आपने मेरी सीरीज देख रखी है यहाँ की जो है। अरे एक बार तो जिप्सी खराब हो गई जंगल में भाई, एक घंटा लग गया ठीक करने में उसको, वो टाइगर वो बंदर कॉल करने लग गया। हाँ बस बच गए और क्या, दूसरी गाड़ी भी आ गई थी फिर। चार घंटे में बहुत कुछ कवर करके जाएंगे यहाँ से। सामने चौकी आ गई अपनी, कंडी मार्ग चल रहा है। हाँ जी, तो ये बहुत पुराना मार्ग है, ये हरिद्वार निकलता था पहले से, कालागढ़ गुरुद्वार ऐसा है। अभी संघर्ष भी हुआ, फिर अभी बंदे बीच में बसें भी चली थी, क्या बात है, साल पहले। हाँ एक बस चलती थी रामनगर से गुरुद्वार, इसी रोड पर। क्या बात कर रहे हो, आपने नई बात सुनाई है। हाँ ये ठंडी मार था, इसके लिए बहुत संघर्ष हुआ, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी कोर्ट में। के बंद मत करो इसको जी, के बंद मत करो इसको। पब्लिक से लेके अभी हमारा राजधानी को जाना होता तो बाया नजीबाबाद होते हुए जाना पड़ता। हाँ लंबा पड़ता है, लंबा पड़ता है। दूसरा ये क्या, उत्तराखंड उत्तराखंड में जाना पड़ता, यूपी जाना पड़ता है। नहीं हाँ जी हाँ, उत्तराखंड तो उत्तराखंड राजधानी का लिंक था। क्या बात, अरे चार साल पहले ही बंद हुआ, मतलब बंद हो गया था फिर दोबारा रीओपन हुआ। हरक सिंह रावत जी उसमें वन मंत्री थे, उन्होंने किया कि एक बस चले जो रामनगर से कोटद्वार को जोड़े, तो एक बस जाती थी एक आती थी, ऐसे दो बसें चलती थी। हाँ जी, उस टाइम बाद फिर वो भी बंद हो गया, इस समय बंद है फिलहाल। उनको ये था कि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, जो वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो। हाँ जी, बंद हुआ क्योंकि दो टाइगर रिजर्व आते हैं ना, मानगढ़ है ऊपर कॉर्बेट है, दोनों के बीच में जा रहा है, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब होगा। आगे कालागढ़ भी तो आएगा, आगे कालागढ़ भी आएगा। हाँ जी हाँ, टाइगर रिजर्व। हाँ मतलब कॉर्बेट का ही पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी टाइम तो कॉर्बेट में था ना ये, तो फिर जब यूपी उत्तराखंड अलग हुए तब ये मानगढ़ अलग हुआ। हाँ कालागढ़ तो खैर कॉर्बेट के पार्ट है। ये आपने नई बात बताई हमको आज, क्या बात है दोस्तों। भैया बता रहे हैं पहले बस चलती थी यहाँ से,
रामनगर से कोटद्वार के लिए, जंगल से ही देख लीजिए। आज भी गाय बगाय मांग उठती रहती है इसकी, कंडी मार्ग खोलो। अच्छा कंडी मार्ग। हाँ, कंडी मार्ग भी कहते हैं ना सर। अरे वाह वाह वाह, ठीक है। बहुत सारे चुनावी मुद्दों का एक विषय भी रहता है। तो एंट्री ढेला से होती थी? हाँ, एंट्री वही रामनगर से आते हुए ढेला से एंट्री। ढेला से उधर कालागढ़ तक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी डिपार्टमेंट वाले जिन्हें देहरादून जाना है उस रोड का यूज तो करते ही है बहुत सारे लोग। हाँ, आपके तो अंदर अंदर से रास्ते बहुत है ना डिपार्टमेंट के लिए। हाँ, मैंने फाटो से भी देखे थे, फाटो से भी देहरादून के रास्ते हैं। हाँ हाँ जी, जंगल तो कनेक्टेड है आपस बिल्कुल। हाँ जी, एलिफेंट के कॉरिडोर भी, तभी तो बोलते हैं एलिफेंट कॉरिडोर है, राजा जी से नेपाल तक। हाँ, देखो कितना लाउड है। कान देखिए, कान कैसे आगे पीछे कर रहा है, दूर से स्मेल आ जाती है। इसमें हवा भी चल रही है ना, टाइगर कहीं बैठा होगा तो हवा का मूवमेंट इधर को है तो स्मेल आती है। हाँ जी, वही फिर देव जी की गाड़ी है। देखो फॉरनर्स को कितना शौक है हाँ टाइगर देखने का, कि उनके पास टाइगर नहीं है। हाँ ये बात भी है, टाइगर की टाइगर ही देखना, वो बर्ड भी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। फ्लोरा दोनों का एंजॉय लेते हैं। कुछ बर्ड ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं? बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं जिनका हैबिटेट सिर्फ इंडिया है, जो बाहर नहीं मिलते। बर्ड्स का तो ऐसे ही होता है कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है। हाँ जी, अब जो हिमालयन बर्ड्स हैं वो आपको यूएसए में नहीं मिलेंगे, वो बिल्कुल में नहीं मिलेंगे। हाँ जी, और जो वहाँ मिलते हैं वो यहाँ नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। टाइगर तो क्या कि टाइगर है, वो आपको यहाँ भी दिखेगा, सेंट्रल इंडिया में भी वही दिखेगा। अब साउथ में चले जाओ या इंग्लैंड के जू में जाओगे वही टाइगर होगा। बर्ड्स का बड़ा वो होता है अलग अलग, तो बहुत सारे बर्डर आते हैं यहाँ पे फॉरनर्स। सही है, बर्डिंग में इंटरेस्टेड है। और कुछ बर्ड माइग्रेट करके भी आते हैं इंडिया में? यहाँ पे इंडिया में भी माइग्रेट करके आते हैं, सिर्फ कॉर्बिट की बात करूँ, कॉर्बिट में भी माइग्रेट करके आते हैं। इसमें विंटर माइग्रेशन होता है। अभी हाल ही में हमारा एक सर्वे हुआ तो बर्ड सेंसस हुआ था कॉर्बिट में। हाँ जी, 3 दिन का बर्ड सेंसस था, तो बहुत सारे ऐसी बर्ड्स, रियर बर्ड जो पहली बार देखी थी यहाँ पे, ऐसी क्या बात है, वाह वाह, तिब्बत से आती है, हिमालय रीजन से, वहाँ से, चाइना से आती है, ऐसी बर्ड्स भी कॉर्बिट में मिली। हाँ जी हाँ, वो बहुत सारे माइग्रेशन होता है, विंटर माइग्रेशन, समर माइग्रेशन, गर्मियों में भी होता है। सही बात, ऐसी माइग्रेशन भी होता है कि कुछ दिन के लिए बर्ड यहाँ पे आती है, फिर कहीं और मूव कर जाती है। बिल्कुल, माइग्रेशन तो बर्ड्स का चलता रहता है। सही में, परिंदों के लिए कोई भी वो नहीं है। हाँ, कोई बॉर्डर नहीं है, आसमान है, कहीं भी कोई बॉर्डर नहीं है। मिल गया, बच्चा साथ है, इससे मैं परेशान है। वाओ, चलो पहले हार्ड भी हो सकता है। हाँ जी हाँ, कितनी अलर्ट थी, बच्चा साथ था तुम। चलो ये देखिए दोस्तों, बच्चा साथ है ना, इसलिए थोड़ा अग्रेसिव हो रही है। बंद मत करो आप गाड़ी। देखो बोल रही है, अभी बोल रही है, ये संकेत दे रही है अपने ग्रुप को, ना तो अपने ग्रुप को बुला रही है, ये संकेत दे रही है कि इधर कोई खतरा है तो आप जहाँ हो उधर रुक जाइए। अरे वाह, हो सकता है ये टाइगर वो एलिफेंट बाहर आए, तो देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं उसके। हाँ जी हाँ, देखिए दोस्तों, वो फीमेल अकेली हो गई थी, पहले ही बच्चे के साथ आ गई नीचे, तो उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ, पीछे से उसने पूरी आवाज़ें लगा के अपने पूरे हर्ड को बुला लिया। ये देखिए आवाज़ें कैसे आ रही हैं, फटाफट आ रहे हैं, वन बाय वन। ये देखिए एंट्री हो गई, ये भी मैच्योर नहीं था,
हाँ 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 तो शुरुआत हुई है अभी, पीछे एंड में तो टस्कर आता है। तो जो भी है वेट करके मजा आता है जंगल में। हाँ कोई भी चीज़, हाँ हाँ कहते हैं पेशेंस रखो कोई भी चीज़ जंगल में। अगर आपने मजे लेने हैं वाइल्ड लाइफ के, एक दूरी बना के आप देखो आवाज़ों की मजे ले रहे हो। हाँ ऐसी आवाज़ें सुनने को नहीं मिलती बिल्कुल। एलिफेंट देख लिए, खा रहा है चल रहा है, कोई मज़ा नहीं है। जो ये मज़ा देखने को आया सही में, ये एक अलग एक्सपीरियंस बिल्कुल। यहाँ पे भी गांव था क्या पहले? हाँ ये जो अभी ग्रासलैंड देखा आपने, कोठीरो एक गांव हुआ करता था, जो चौकी कोठीरो कोठीरो और झिरना और धारा तीन गांव हुआ करते थे। हाँ जी हाँ। 1994 में उसमें उत्तराखंड बना भी नहीं था। अच्छा। उस समय गांव को रिलोकेट कर दिया गया आउटर एरिया में। ठीक है। तो उनकी जगह पे जो उनकी फार्मिंग लैंड थी उसे ग्रासलैंड में डेवलप किया। हाँ तो यहाँ जो भी ग्रासलैंड दिखते हैं मोस्टली वहाँ कभी ना कभी कोई ना कोई बसावट थी, गांव थे। सही बात। अभी वहाँ पे जंगल नहीं हुआ, अदरवाइज जैसे ये जंगल है वैसे वहाँ पे भी जंगल डेवलप हो जाए। बिल्कुल सही है। जो ग्रासलैंड प्लेन लैंड दिखते हैं, चाहे ढेला में आप देखो लाल डांग के ग्रासलैंड दिखते हैं, चाहे यहाँ कोठीरो के झिरना के धारा के ग्रासलैंड है, सब पहले गांव हुआ करते थे। हाइट पे पहुंच गया, हाइट पे लेकर पहुंच गया, 7,000 फीट पे आ गया। 7,000 फीट पे टाइगर भी जो ऊंचे क्षेत्र हैं, ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में इसके देखा जाना है अपने आप। अभी देखा नहीं भीमताल में क्या हुआ है? भीमताल में हुआ, आप जागेश्वर में देखो, जागेश्वर में टाइगर दिखाई दिया। तो काफी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने क्या बात, गाड़ी नहीं आई बाहर से? आ गई, गाड़ियां आ रही हैं, घूम रही हैं। दोस्तों आ गए हम हाई बैंक पे। लास्ट टाइम आपके भाई को इधर ही टाइगर साइटिंग हुई थी, जो सांबर का मुंह लेके चल रहा था। हाँ वो ये जगह थी, सामर मुंह में डाल के चल रहा था। ऐसे एरिया साइटिंग के लिए बहुत अच्छे। मैं मई में आया था क्योंकि ये एक तो दूर दिखता है यहाँ से, और दूसरा क्या होता है कि पानी यहाँ पे हमेशा रहता है, ये स्प्रिंग वाटर है जो पहाड़ों से निकलता है। बिल्कुल। तो पानी की तलाश में टाइगर आपको कई बार इसमें बैठा हुआ मिल जाएगा, या कई बार सही में यहाँ से दूर दूर तक की कॉलिंग भी सुनाई देगी। हाँ ये ऐसा एरिया है कि आप दूर तक देख भी सकते हो, इजीली लंबा एरिया दिखता है। गर्मियों में अच्छी साइटिंग होती है। सही बात है। पर यहाँ वल्चर यही दिखते हैं, मैंने एक चीज नोट करी है, ऊपर टॉप पर देखो उड़ रहे हैं, देखिए ऊपर उड़ रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं देखो ना वहाँ पे। ओके एक कहाँ बैठे हैं इतने सारे बैठे हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितने सारे बैठे हैं, ये वल्चर्स गिनती भी नहीं है यार। अभी अभी लेना पड़ेगा लगता है मेरे को DSLR अभी, जो बढ़िया जूम वाला कैमरा। अभी उड़ा देखो, उड़ा एक उड़ा, कुछ फ्लाइट कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं। हाँ कुछ लैंड भी कर रहे हैं। ये लैंड कर गया एक, ये बैठा, ये दूसरा बैठा। वाह 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 ब्यूटीफुल। वल्चर भी यहाँ पे माइग्रेटरी हैं, ये भी माइग्रेट करके आते हैं। मोस्टली इसमें हिमालयन ग्रिफन्स वल्चर होता है। क्या बात तो है। हिमालय से ऊंचे क्षेत्रों में जब बर्फबारी हो जाती तो उसमें वल्चर्स नीचे आ जाते हैं। अरे वाह देखो मिट्टी मिट्टी की स्लिप हो रहा है, मिट्टी टूट गया गिर गई वहाँ से। वाह वाह वाह। और इन्हें देखना भी काफी, क्योंकि धीरे धीरे इनकी आबादी भी कम हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो। लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीशीज में ये काफी कम हो चुके हैं, तो ये भी बहुत कम दिखाई देते हैं। क्योंकि एक दवाई आई थी ना डाइकोफिनेक, उससे इनकी काफी डेथ हो गई थी। अच्छा। तो पेन किलर पहले जानवरों को देते थे, फिर जानवरों को जब फेंक देते थे हाँ। तो उन्हें गिद्धों ने खाया, गिद्धों की किडनी खराब हुई, बहुत सारे इफेक्ट हुए, तो गिद्ध खत्म हो गए थे एक बार। क्या बात है। तो दिखते हैं झिरना, हमारे यहाँ पे झिरना में सबसे ज्यादा गिद्ध दिखते हैं। कभी सुनते नहीं कई जगह पे जानवरों को जहर देते हैं मारने के लिए, तो उसको खाने से दूसरे प्रजातियों को नुकसान होता ही है, उसके दूसरे प्रजाति उसमें गिद्ध सबसे ज्यादा, क्योंकि गिद्ध जो है स्केवेंजर ऑफ द फॉरेस्ट है, सफाई कर्मचारी है, तो सारे सड़े गले मांस को खाते हैं। हाँ जी हाँ। जहर दोगे तो जहर खाएंगे तो फिर इनकी भी डेथ हो जाएगी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि देख लो सामने, मैं तो देख ही ढूंढ ही पाता कभी भी इसको। हाँ वो क्लिप वहीं पे बैठे हुए रहते हैं। हाँ उनका जो हैबिटेट है वो वही। हाँ जी डंगर के एरिया में भी आपको देखने को। ठीक है ठीक है दोस्तों, कितनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं भैया। देखिए किसे जमाने बोले, जब गांव था ना, ये गांव की टंकी है, बिल्कुल हाई बैंक के नीचे है ये पानी की टंकी। तो अभी भी होता है? नहीं अब कुछ नहीं होता, अभी इसमें पानी आनी होता नहीं है, लेकिन उस जमाने में गांव वालों के पानी की व्यवस्था के लिए। सही बात है। अच्छा। जब से गाँव रिलोकेट हुआ तो इसका यूज होता नहीं है जनरली यहाँ पे। फॉरेस्ट वालों ने अपनी उनकी अपनी लाइन है पर्सनल जिसमें यूज। बहुत बढ़िया। चलिए सर
जंगल बदलते रहता है अपने 12 महीने सही बदलता रहता है मौसम के अनुसार। देखो पूरा ही तो सूख गया वाटर होल ये तो। हाँ इसमें गर्मियों में सर पानी डालते हैं, कच्चा वाटर होल है ये, परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा इनके टैंकर से ही डालते हैं? नहीं, ये जो अपने हाई बैंक से जो पानी देते पानी खींचते हैं स्रोत से, कैनाल है, कैनाल से इधर कनेक्ट कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइटिंग अच्छी होती क्योंकि नीचे का पानी सूख जाता है कैनाल से, यहाँ पे पानी रहता तो इसलिए अभी क्या। मेरी पहली साइटिंग इधर ही हुई है टाइगर की। हाँ, जो मैं झरना पहली बार आया था शायद आप गर्मियों में आए होंगे। मैं आया था मार्च में, मार्च मार्च में के बाद यहाँ डाल देते थे मार्च में। बहुत जबरदस्त साइटिंग हुई थी वो भी। अब वो एक लाल कलर का फूल दिख रहा है ना आपको, मान लो किसी ने लगाया होगा अपनी झोपड़ी के बोगनविला। क्या बात है, सही में। अदरवाइज जंगल जंगल में नहीं मिलते, नहीं मिलते ऐसे फूल, सही बात है। और टाइगर इधर से ही आया था सामने से ही। अच्छा, ये इसे क्रॉस सुखी नदी से क्रॉस करके उधर गया था पानी पीने, उसके पीछे पीछे आ गया टस्कर। अच्छा, तो दोनों की सेटिंग आपको एक साथ जबरदस्त हुई थी वो तो। अभी समझो जैसे इसके अभी सिंह नए आया जो है जी, तो इससे लड़ाई तो नहीं कर सकता है। नहीं, अभी ये लड़ाई नहीं करेगा जब तक इसमें वेलवेट है। वेलवेट का मतलब है कि इसमें अभी ब्लड सर्कुलेशन चालू है। बिल्कुल, कुछ दिनों में सार्फ हो जाएंगे, उसके बाद ये हार्ड हो जाएंगे। हार्ड हो जाएंगे और ये उतर जाएगी वेलवेट ऊपर से। वेलवेट उतर जाएगी। दूसरी क्या होता है, डियर की अगर आप आंख देखोगे, आंख के नीचे एक हल्का सा होल सा दिखाई देगा तुम्हें। हाँ जी, वहां से एक सीरम सा निकलता है जिससे ये स्मेल करते हैं। अच्छा। तो फीमेल भी स्मेल करती है कि ये मेट के लिए रेडी है। एक तो जो ये आपस में लड़ते हैं और जो पावरफुल होता है उसके साथ मेट करती है, आवाजें जो सिंहों के लड़ने की। इस समय अगर ये लड़ेगा भी, एक तो इसको चोट ज्यादा आएगी, दूसरा आवाज नहीं आएगी, तो उस लड़ने का फायदा नहीं है। सही, लड़ते इसीलिए पहली हार मान लेगा, पहली हार मान ले। तो दूसरा जैसे आप इसे कर रहे हो, आप जंगल को अपने टाइम दे रहे हो। हाँ। अगर टाइम का गेम है, बिल्कुल नेचर को टाइम दोगे, नेचर आपको उतना ज्यादा। सही बात है, सारी चीजों का। अब आए और टाइगर दिख गया, इसमें एंजॉय नहीं है। अब आए, आपने ढूंढा, आपने ट्रैक किया, आपने सारी मूवमेंट को एंजॉय किया, वो जंगल की असली सफारी है। सही बात है, टाइगर दिख जाना वो तो एक कोइंसिडेंट है। बिल्कुल, जंगल में रहने का बेसिकली मोटिव यही था कि लोगों में अवेयरनेस आए। हाँ जी। कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और नेचर क्यों इम्पोर्टेंट है, जो दिल्ली बम्बई चेन्नई बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं जहाँ पे जंगलों की कमी है, बिल्कुल इससे अवेयर कराया जाए कि नेचर क्यों। मेन फ्रेश ऑक्सीजन भी नहीं है, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं है, और ये हमारी ऑक्सीजन जो फैक्ट्री है जंगल, बिल्कुल वो करवाया जाए, तो इसलिए सफारी स्टार्ट कराई थी। ये तो धीरे धीरे आते आते टाइगर के एक ओरिएंटेड हो गया है वो। नहीं तो जैसे आज छोटे बच्चे आ रहे हैं, कल को उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अपने बच्चों को बताएंगे। धीरे धीरे ये क्या है, जनरेशन टू जनरेशन ये नॉलेज जब तक नहीं जाएगी लोगों के, क्यों इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट, जंगल फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए बहुत जरूरी है। सही है, और राइट हैंड पे सुखी रिवर, यहाँ से देखे टाइगर मजा आ रहा है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। हाँ, जिस तरह बंदर जा रहा है ऐसे टाइगर चले, मजा आ गया। अभी वेट करें, थोड़ी देर 2-4 मिनट। हाँ वेट करते हैं इधर। ये मछली पकड़ने जा रहा है, वो बंदर को उठाने जा रहा था ये तो। डरा रहे थे। हाँ, देखा, देखो जंगल है, हर किसी ने पेट भरना अपना, सबको फूड चाहिए। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी हाल फिलहाल कितनी जिप्सी आ रही है झरना में? झरना में सर डे विजिट में तो 30 जिप्सी आती हैं, और स्टे के लिए 2 रूम यहाँ पे ऑनलाइन है और 2 रूम ऑफलाइन है। ऑफलाइन है, हाँ जी। और उसके अलावा भेला में? ढेला में 15 जिप्सियाँ हैं, बाकी 2 वहाँ स्टे के रूम हैं, स्टे की जिप्सी। फिर भी ठीक है, कंट्रोल में। हर बार ऐसा तो नहीं है कि कॉल होगी तो ही टाइगर दिखता है, कई बार बिना कॉल भी दिखते हैं टाइगर। इंसिडेंट होता है, आप जा रहे हो और टाइगर रोड में है, कहीं बैंड पे दिख गया, तो ऐसा नहीं जरूरी कॉल हो तभी टाइगर दिखता है। कभी ये भी जरूरी नहीं है कि कॉल हो के टाइगर दिख ही जाएगा। हाँ जी, दोनों चीज़ों में। देख लो ये जो जितने जंगल दिख रहे हैं, ये पहाड़ के पीछे पहाड़ के पीछे पहाड़ के पीछे पहाड़ हैं, हर जगह इन्होंने काउंटिंग करी हुई टाइगर की।
हाँ मोस्टली हर जगह काउंटिंग होती है, पार्क के अंदर तो हर जगह कैमरा ट्रैप्स और ये लगी होती है। क्या बात है, यानी हर जगह इनकी गश्त हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, हर जगह गश्त होती है, ऐसा नहीं कि कोई एरिया छूटा होता, हर जगह चौकियां बनी होती है। तो यानी कि जो इनकी काउंटिंग होती है टाइगर की परफेक्ट होती है 100%? मोस्टली देखो जंगल में कोई भी चीज़ को 100% कहना गलत होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है कि इतना है, परफेक्ट कह दोगे असल बड़ा मुश्किल है किसी भी चीज़ का ना जंगल में। सही, यानी कि जितना अपने इंडिया में टाइगर बोलते हैं उससे प्लस ही होंगे, उससे प्लस 10%। देखो प्लस होना तो वैसे भी सर लाजमी है, क्योंकि जो कप्स होते हैं टाइगर के उनको काउंट करते नहीं, करते नहीं है तो, और चार साल में काउंटिंग होती है। हाँ। और फीमेल 3 साल तक बच्चों के अपने साथ रखती है, साथ रखती है। तो 4 साल के अंदर तो अगर फीमेल बाय चांस सेंसस के बाद बच्चे दे दिए और उसके बाद तो फिर वो बच्चों को वो भी करवा देगी, उसके बाद सेंसस होगी, है ना। तो ऐसा, और जो टाइगर के बच्चे हैं वो भी कौन सा बचते हैं, जो पूरे पूरे होते हैं, समझो अगर 10 हैं 10 में 3-4 ही सर्वाइव कर पाएंगे। अभी तो काफी सर्वाइवल रेट काफी बढ़ गया है, बढ़ गया है। बहुत कम होते थे, अब तो काफी अच्छा हो गया, सर्वाइवल रेट बच जाते हैं बहुत। मोस्टली इधर के टाइगर तो जो हम कॉर्बेट के हैं, हाँ जी, मैं देखा है कि मोस्टली बचा लेती है फीमेल टाइगर। सही में, अब रणथंभौर में भी काफी अच्छा प्रोग्रेस हुआ, वहाँ भी काफी अच्छे बच्चे हुए। हाँ, किंगफिशर है ये, बार्बेट है। ओ वाओ, इसको उठाने आया था ये हॉकी गर्ल। हॉकी गर्ल देखो, 3 सेकंड की बात थी, 3 सेकंड की बात नहीं थी, इधर को इसका या तो इवन बोल बारबेट का ना नीचे, हाँ जी हाँ, और इसके अंदर घुस गई, तो इधर नेक्स्टिंग है बारबेट की। तो हॉक ईगल कब से शायद उसके बच्चों के लिए, उसके लिए बैठा हुआ था, जैसे ही आया वो एकदम घुस गया। क्या सीन मिला ये भी, ये भी सीन। वेट करें तो मिलते हैं ऐसे बहुत जो है। हाँ, वेट करना, चलते रहेंगे तो फिर मिट्टी उड़ाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अभी कुछ आगे को कवर करते हैं। दोस्तों 2 घंटे की हमारी सफारी पूरी हो चुकी है, बस माहौल बन रहा है धीरे धीरे, कहीं कहीं कॉल हो रही है, फिर वो कॉल कंटिन्यू नहीं हो रही, कंटिन्यू हो तो पता चले डायरेक्शन कहाँ को है। ट्राई कर रहे हैं, जो मर्जी है। देखो मैं कहता हूँ अब तक टाइगर नहीं दिखा, और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, हाँ, कभी को किसी को हारने नहीं देता जो है टूरिस्ट को, तो कोई लोग मायूस हो जाते हैं। एंडलेस हो गए ना हमारे पास, जो टाइगर, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। ये जो है ये आ गया जी, अमानगढ़ ना यार, तुम बताओ कॉल थी कि नीचे से ऊपर और कहाँ है महंगा सिंह जी? महंगा सिंह जी आ रहे थे, आते थे परिवार में। अच्छा अच्छा, क्या हाल है? गड्डी ठीक है महंगा सिंह की? बस बढ़िया है, गड्डी खराब हो जाती है उसकी यार। हाँ, और क्या हाल चाल है? बढ़िया, और बताइए सर? बस बढ़िया बढ़िया भैया, बहुत कम गाड़ियाँ आ रही हैं यार, ठंड चल रही है, ठंड। हाँ वही जो आपके हैं वही आए, मैं मिले एलिफेंट, हमें मिले। हाँ वो दिख रहे हैं सामने, एलिफेंट दिख रहे हैं, और जिरना कैंपस के पास घूम रहे हैं। हाँ हाँ, फक्कर चौराहे के पास, फक्कर चौराहे से पहले उल्लेख। अच्छा पहले है, ठीक है, चलो सर जी कवर करो। अरे वो है हमारे रानी और तुंगा, वो है। अरे यार तुंगा रानी चांदनी, देखिए दोस्तों अमानगढ़ में भी अभी नील बटा नील है। हाँ हाँ हाँ, वाइल्ड लाइफ विद सुनील, वाइल्ड लाइफ विद सुनील। हाँ कर, हाँ जी कर लो सब्सक्राइब। हाँ हाँ हाँ, खेल रहे हैं देखो, रानी और तुंगा अपना डिनर करते हुए, कैंपस के पास ही है बिल्कुल। हाँ मुझे ऐसा लगा कि कैंपस के पास जंगली हाथी आ गए, गाड़ियाँ घुमा ली, तो यहाँ पे देखा कि तो कैंपस के ही हैं एलिफेंट।
एक चीज सोच रहा हूँ मैं, जैसे ये मुर्गे हैं, मुर्गियाँ भी हैं जहाँ, ये भी कैसे अपने अंडे बचा के रखते हैं तभी नए बच्चे पैदा होते हैं इनके भी, चिकन वगैरह इनके, जहाँ सांप भी हैं, मॉनिटर लिजर्ड हैं, हाँ हर तरह की मुश्किल है, फिर मंगूज है, फिर इनके बच्चे भी तो बड़े होने चाहिए, हाँ देख लो, हाँ जहाँ हर हर तरह के शिकारी हैं, हाँ देखो ये चढ़ा पहाड़ पे, अभी तकरीबन जिप्सियाँ चली गई हैं बाहर, हाँ बाहर चली गई हैं, अब स्टे वाले ही घूमेंगे। दोस्तों आ गए ग्राफलैंड, टाइगर की खोज जारी है, बाकी वाइल्ड लाइफ तो हमने देख ली, एलिफेंट भी दिख गया आज तो बहुत अच्छे, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, बाकी हर तरह के बर्ड्स, वल्चर, ईगल, देखो टाइगर राजा अपन दर्शन देते हैं नहीं देते आज भी। 40 मिनट्स की सफारी बाकी है, 40 मिनट्स खाली, 40 मिनट तो इतना बड़ा जंगल, अभी कैसे ढूंढेंगे हम, कोई अलार्म कॉल भी नहीं हो रही, एकदम शांत, टाइगर चलेगा नहीं, पग मार्क भी दिखेंगे नहीं, भैया बता रहे हैं स्टेप ईगल है ये, बहुत रेयर है, ईगल है, ईगल है, हाँ हाँ ये भी देख ऐड हो गई, स्टेप ईगल ऐड हो गई सही में, भाई बादल खुल रहे हैं अब इस तरफ को पीछे को, भाई ये हमारा लकी पॉइंट है, लकी पॉइंट और बीच में हट गया और बारिश शुरू, इधर बैठा खड़ा है, लॉट बियर दिख गया झरना में, दो थे एक तो भाग गया फटाफट, बोला मत बोला मत, मैं फर्स्ट टाइम इतने क्लोज से देख रहा हूँ, टाइगर से बड़ी साइटिंग, स्टार्ट मत करो स्टार्ट मत करो स्टार्ट मत करो, जाने दो। दोस्तों दो दो भालू देख लिए, एक चला गया, एक ने बहुत अच्छा पोज दिया, उम्मीद है फिर बाहर आएंगे, यहाँ गए दोस्तों स्लॉट बियर, पीछे को आ रहे हैं, पहली बार बंपर फाइटिंग वालों की, दोस्तों टाइगर 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 कर रहे थे, स्लॉट बियर दिख गया, मेरी लाइफ का जो सपना पूरा हो गया, मैंने स्लॉट बियर देखने थे अच्छे से, जो है रणथंभौर में देखा था बहुत दूर से, इतने क्लोज से देखे, और वो भी दो दो लेपर्ड था,
गया। अरे भाई मेरे नीचे चलो भालू मिल जाएगा इसका क्या। ओ भाई लेपर्ड निकल गया यार, मैं तो खुशी मना रहा था भालू दिख गए। डोगराजन देख लिया आपने? देख लिया हाँ लेपर्ड था एकदम सडनली आ गया इस एरिया में, दिखता है ना लेपर्ड काफी। अच्छा चलो चलो नीचे देखते हैं भालू दिखता। लेपर्ड को छोड़ के भालू के पीछे जा रहे हैं दोस्तों। अरे यार मैं तो खुशियां मनाने लग गया कि मेरे को भालू दिख गए। तो स्लॉट बियर फर्स्ट टाइम इतनी क्लोज, मजा आ गया। सूर्य देवता चमक पड़ गई। मैंने आइडिया लगाया कि ये भालू जो इस तरफ को निकलेंगे स्लॉट बियर दोनों, अभी यहाँ उनकी वेट करेंगे हम। सफारी का टाइम ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट बाकी हैं खाली। ये समझ लो अगर आपको 10 बार टाइगर दिखता ना 25-30 सफारी में, तो एक बार भी दिखता नहीं भालू। भैया ने आईडी लगाया कि भालू दोनों इस तरफ ही आएंगे अभी। रियर साइटिंग ऑफ द रियर। दोस्तों बहुत टाइम तक हमने वेट करी है, भैया ने एकदम गाड़ी सेट करके लगाई थी कि इधर से निकलेंगे, पर आवाज़ें आ रही हैं बाहर नहीं आ रहे जो है। तो भी क्या हमारे साथ 5 मिनट का टाइम रह गया सफारी का, तो हमें उससे पहले कैंपस पहुंचना है। रूल इज़ रूल दोस्तों। आप मेरी एक बात नोट करने वाली है। देखो सब जिप्सियाँ चली गई, जंगल हो गया शांत, उसके बाद निकले हैं भालू। देख लो, देखा मूवमेंट है। हाँ हमें स्टे का फायदा हो गया। हाँ बिल्कुल, देखिए सनसेट हो रहा है। देखिए व्यू दोस्तों यहाँ पे। एक मिनट रह गया है, 5:29 और ये हो गए 30 और हम आगे कैंपस के अंदर। ये थैंक यू भैया, थैंक यू बहुत बढ़िया साइडिंग। कल मिलते हैं सुबह, थैंक यू मॉर्निंग। भाई हम तो बस कैंपस ही आ रहे थे, हमें उम्मीद नहीं थी। चलो चलते हैं यार, कोई नहीं कल की सफारी है। देखिए यहाँ पे लंगूर है, इधर मकैक और सामने स्पॉटेड डियर अंदर आ गए हैं बहुत सारे कैंपस में। हमें तो उम्मीद हार गए थे कि यार चलो कोई चक्कर नहीं है कल की सफारी। और ऐसी बम्पर सेटिंग तो मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं स्लॉट बियर देख के जाऊँगा। मेरा ड्रीम पूरा होगा दोस्तों, भगवान ने मेरा ड्रीम पूरा कर दिया जो स्लॉट बियर का। इससे बढ़िया और क्या होगा। अभी आपको अंदर ही दिखा देते हैं स्पॉटेड डियर, कैंपस के अंदर ही हैं स्पॉटेड डियर। है चीज़ ये है, मज़ा रहने का कैंपस में दोस्तों। थोड़ा कभी टाइम निकाल के सफारी के साथ स्टे भी कीजिए। वो देखिए ये खड़ा है स्पॉटेड डियर। ये यार कितना अच्छा लगता है ऐसे देख के वाइल्ड लाइफ को इतने नज़दीक से। अभी वो देखिए पीछे जो फेंसिंग की वायर है, इधर भी कितने सारे खड़े हैं, ये भी अंदर आएंगे धीरे धीरे करके। ऊपर लंगूर है, नीचे देखिए मकैक, पीछे तुंगा और चांदनी खड़े हैं, रानी और तुंगा, चांदनी तो चली गई। पीछे लास्ट में वो देखिए एलिफेंट खड़े हैं दो। ये है कैंपस जिरना। भाई जबरदस्त साइडिंग हुई डोगरा जी, उम्मीद नहीं थी यार, उम्मीद नहीं थी ना भालू दिख जाएंगे। दो दो भालू स्लॉट बियर दो दो। देखो भैया क्या कह रहे हैं, भैया टाइगर से ज्यादा भालू रेयर है, भालू रेयर है, भालू दिखा। तो भालू इतनी अच्छी साइटिंग हुई आपको? हाँ ये डोगरा जी दिखा रहे हैं अपनी खुद की साइटिंग दिखा रहे हैं। पूरे महीने में इतनी साइटिंग कम होती है कि आपको भालू दिखे, क्या बात है। पूरी सफारियों को हाँ सही में भालू की साइटिंग बहुत कम होती है जैसे आपको दिखे। हाँ जी डोगरा जी तो फिर अपना ग्रेड नहीं। डोगरा जी तो डोगरा जी है, कमल डोगरा जी, कमल डोगरा और बहुत है। क्यों जी कैमरा चाहिए बंदा का, मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, इतना कैमरा चाहिए, कैमरा चालू होते ही भाग जाता है। कमल डोगरा नॉलेज इतनी है जो है। मैंने बोला अपना मुंह मत दिखाओ। हाँ मजा आ गया। अभी टाइगर हम यहीं से देखेंगे, अब टाइगर अपन यहीं से देखेंगे कैंपस से, ठीक है ना, कैंपस से टाइगर देखेंगे। अभी यहीं पर यहीं बैठते हैं आराम से, कॉफ़ी बनवाओ कॉफ़ी।
दोस्तों कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप देख लीजिए भगवान ने हमारे साथ कितना अच्छा किया। बारिश चल रही थी, बीच बीच में रोक रही थी, बारिश रुक रही थी और ऐसी रोकी कि हमें इतनी अच्छी साइटिंग हो गई। अब ये देखिए, ये वाटरफॉल है टाइगर का गढ़, ये उसका अड्डा कह लो, यहाँ उसने आना ही आना है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, दो तीन दिन बाद आएगा, आएगा या रात को आएगा, आएगा ज़रूर। ये सामने वाटरफॉल है, ये वाला। मेरा फेवरेट कैंपस है दोस्तों, झरना।